तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसमें क्या है कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 100 नैनोमीटर, यहाँ पे लैम्डा ऑलरेडी मेंशन है, 100 नैनोमीटर है, और पास थ्रू ए सैंपल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन गैस इन ग्राउंड स्टेट। ये बात याद रखना है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो ग्राउंड स्टेट में है, और अज्यूम यहाँ पर एक अजम्पशन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। और यहाँ पे एक पूरा जो क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है, अजम्पशन पे, दैट व्हेन ए फोटोन सप्लाई सम ऑफ इट्स एनर्जी टू हाइड्रोजन एटम, द रेस्ट ऑफ एनर्जी इज अपीयर एज अनदर फोटोन मूविंग इन सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। समझना यहाँ पर कि अगर ये एक गैस है, हाइड्रोजन का गैस है, दिस इज द गैस ऑफ द हाइड्रोजन, और यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दिस इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, और इस पैरेलल बीम ऑफ लाइट में जो फोटोन है उसकी एनर्जी ई है और उसके पास वेवलेंथ लैम्डा है। तो जो गैस है वो क्या किया कि इस फोटोन, जो इंसिडेंट फोटोन है, ये वाला जो इंसिडेंट फोटोन है, इसकी कुछ एनर्जी तो गैस अब्जॉर्व कर लेगा, लेकिन जो एनर्जी बच गई वो दूसरे फोटोन के रूप में इन द फॉर्म ऑफ अनदर फोटोन विल कम आउटसाइड। तो ये यहाँ पर एक अजम्पशन लिया जाता है, ऐसा होता तो नहीं है कि फोटोन की एनर्जी आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब इसके पास 10 जूल की अगर एनर्जी है, समझाने के लिए, तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है 8 जूल रख लिया तो 2 जूल अलग फोटोन के फॉर्म में आएगा, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, अजम्पशन लिया जा रहा है, अज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। फोटोन की एनर्जी डिस्क्रीट होती है, वो जो एनर्जी है वो दूसरे फोटोन में कन्वर्ट नहीं होती है, वो एनर्जी यूज हो जाती है गैस में, एटम आयंस काइनेटिक वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी में यूज हो जाती है, ठीक है। चलो तो ये नेगलेक्ट द ऑल द लाइट एक्साइटेड हाइड्रोजन इंसिडेंट बीम, व्हाट आर द वेवलेंथ्स दैट ऑब्जर्व इन द ट्रांसमिटेड बीम। तो ये वाली जो बीम थी वो एक्चुअली इंसिडेंट बीम थी, दिस इज द इंसिडेंट बीम, और ये जो है वो ट्रांसमिटेड बीम है। तो ट्रांसमिटेड बीम में कितनी लैम्डा है, उस सारी लैम्डा की कैलकुलेशन हम लोग को करनी है। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम अब बना लेते हैं हम लोग, और ये यहाँ पर n इज इक्वल टू 1, एंड अगेन यहाँ से n इज इक्वल टू 2, अगेन यहाँ से n इज इक्वल टू 3, और यहाँ से n इज इक्वल टू 4, इस टाइप से हम, तो n इज इक्वल टू 1 में अब देखो एनर्जी लेवल यहाँ से, ये सबको याद होगा, इसमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, इसमें -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें -1.5 पर, इसमें -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी एग्जिस्ट करती है अलग अलग ऑर्बिट में, ठीक है। चलो तो जो फोटोन आया, यहाँ से एक फोटोन आया है जिसकी वेव लेंथ लैम्डा है, और वो लैम्डा ऑलरेडी 100 नैनोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं इस फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी इस फोटोन के पास है एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा, तो एच सी की वैल्यू 12 नंबर 402 और लैम्डा 100 आ गया, तो फाइनली ये कैलकुलेट हो गया वो 12.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो इंसिडेंट फोटोन है, जो बीम इंसिडेंट हो रही है उस वाले फोटोन के पास इतनी एनर्जी है यार, 12.42 वोल्ट। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब पॉसिबिलिटी देखो, पॉसिबल ट्रांजिशन देखो, पॉसिबल ट्रांजिशन, ये एनर्जी किसको मिलेगी, ये एनर्जी जो उस एटम में, थोड़ा सा सोचो, उस एटम में ऑलरेडी जो गैसेस हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली जो ट्रांजिशन पॉसिबल है वो N1 से N2 में पॉसिबल है, ठीक है। तो डेल्टा E1 पहली जो एनर्जी है वो आ जाएगी E2 -E1, ठीक है। E2 कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फाइनली आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये जो पहला ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है ये हम देखेंगे। हमारा जो फोटोन आया था, जो फोटोन इंसिडेंट हुआ था, उस फोटोन की एनर्जी कितनी थी, 12.42, और पहली ट्रांजिशन होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 10.2 वोल्ट। तो रिमेनिंग एनर्जी जो बच गई एनर्जी, वो कहाँ गई,
रिमेनिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? या तो रिमेनिंग हो जाएगी इंसिडेंट वाली एनर्जी माइनस ट्रांजिशन में जो यूज हो गई, तो इंसिडेंट कितनी थी 12.42 और ट्रांजिशन में 10.2 है, तो फाइनली जो मुझे है 2.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाली जो एनर्जी है, जो रिमेनिंग एनर्जी है, दिस इज़ द रिमेनिंग एनर्जी, वो यहाँ पर एक अजम्पशन लिया जा रहा है कि ये एनर्जी न्यू फोटोन के फॉर्म में बाहर आ जाए, ये न्यू फोटोन के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है। तो अगर ये एनर्जी न्यू फोटोन के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है, तो देख लेते हैं कि उस फोटोन की वेवलेंथ कितनी है जो ट्रांसमिट हुई। तो उस फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एस सी अपॉन ई आ जाएगी, तो एस सी इज इक्वल टू 12 नंबर 402 और ये आ जाएगा 2.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फाइनली आ जाएगा 560 नैनोमीटर। दिस इज द लैम्डा वन, फर्स्ट वेवलेंथ, यहाँ से हमें एक वेवलेंथ यहाँ से आ गया फर्स्ट, ये फर्स्ट वेवलेंथ इतना ट्रांसमिट होगा, ठीक है। चलो, और कब तक फोटोन ऑब्जर्व होगा, यहाँ पर ध्यान देना, फोटोन तब तक ऑब्जर्व होगा जैसे ये वाली जो एनर्जी, जितनी एनर्जी ज़रूरत है वो एनर्जी कम है, तभी ये एनर्जी ऑब्जर्व होगा। और मान लो अगर एनर्जी ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है यहाँ से ट्रांजिशन करने के लिए, तो जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी ऑब्जर्व नहीं होगी। चलो, दूसरा ट्रांजिशन पॉसिबल है, वन से थ्री में जा सकता है इलेक्ट्रॉन, वन से थ्री में जा सकता है, ठीक है। तो अगर वन से थ्री में जा सकता है तो देखते हैं क्या पॉसिबल है ट्रांजिशन, तो कैलकुलेट कर लेते हैं वन से थ्री के लिए। तो अगर वन से थ्री के लिए कैलकुलेट करें, फॉर ट्रांजिशन वन से थ्री में अगर जंपिंग होगा या नहीं होगा, तो डेल्टा ई आ जाएगा, सेकेंड टाइम्स एनर्जी आ जाएगी, दैट इज E3 माइनस E1। तो E3 कितना है बोलो, E3 है -1.5 और ये -13.6, तो ये -1, ये आ जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड वाले स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन था उसको तीसरे ऑर्बिट में जाने के लिए इतनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, और हमारे पास अवेलेबल कितनी है, अवेलेबल है 12.42, और ज़रूरत कितनी है 12.1 की। तो यहाँ पर ये अब्ज़ॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पे कितनी एनर्जी बच जाएगी इस केस में, तो इस केस में जो रिमेनिंग एनर्जी बच जाएगी वो बच जाएगी 12.42 में माइनस कर दूँ 12.10, तो फाइनली जो यहाँ से जीरो और यह आ जाएगा टू और यह आ जाएगा थ्री, 0.3232 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी हमें बच जाएगी। अब इस एनर्जी से एक नया फोटॉन जनरेट होगा, न्यू फोटॉन अगेन जनरेट होगा, उस फोटॉन की वेवलेंथ में लैम्डा टू बोल दूँ, जो ट्रांसमिट होगा वो एस सी अपॉन डेल्टा ई के इक्वल होगा, तो एस सी 12 नंबर 402, और अगर इसको डिवाइड करोगे 0.32, तो फाइनली जो लैम्डा टू आ जाएगा, वो इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है, तो लैम्डा टू जो आ जाएगा वो आता है 388 और 1.25 ये, तो दिस इज़ द लैम्डा टू। तो जो ट्रांसमिट वाली वेवलेंथ है वो ट्रांसमिट इतनी आ जाएगी। चलो, तो कुल मिला के अब क्या तीसरा वाला ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है, थर्ड ट्रांजिशन पॉसिबल है क्या, वन से वन ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फोर्थ में जा सकता है, देख लेते हैं। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस आ जाएगी, दैट इज एनर्जी ऑफ द फोर्थ माइनस एनर्जी ऑफ द फर्स्ट, तो एनर्जी ऑफ फोर्थ 0.85 और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फाइनली ये प्यारे बच्चों आ जाएगा 12.12, ये आ जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत ही जो कि ज़्यादा है इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन कितनी थी, ऊपर देखो इंसिडेंट फोटोन 12.42 थी, तो इंसिडेंट वाला जो फोटोन आया था उसकी एनर्जी जो है वो 12.42 है, और वन से फोर में जाने के लिए कितनी 12.7, तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल, आगे का ट्रांजिशन कोई भी पॉसिबल नहीं है ग्राउंड स्टेट से, ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। तो कुल मिला के ये लैम्डा टू और लैम्डा वन कितना था, देखो 560,
और एक जो 100 वाला इंसिडेंट था, समझना, ये जो इंसिडेंट वाला था 100, जो 100 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है वो भी तो बाहर आएगा, तो कुल मिला के 3 वेवलेंथ बाहर आएगा। तो λ100, λ1 आया था 5-6 नैनोमीटर का, और λ2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3881.25, और λ3 जो आ जाएगा, जो 100 नैनोमीटर का जो इंसिडेंट हुआ था वो भी तो बाहर आएगा। तो ये तीन हमारा प्रॉब्लम जो है, ए पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। कहता है कि ये रेडिएशन डिटेक्टर इज प्लेस नियर द गैस टू डिटेक्ट द परपेंडिकुलर ऑफ द इंसिडेंट बीम, फाइंड द वेव लेंथ ऑफ द रेडिएशन दैट मीन द डिटेक्टेड। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है कि जो इसका दूसरा पार्ट है, बी पार्ट ही कहता है कि अगर यहाँ से इंसिडेंट बीम ये जो आ रही थी, जिसकी ऑलरेडी वेव लेंथ लैम्डा जो 100 था, नैनोमीटर इंसिडेंट था, ये नैनोमीटर में है, तो यहाँ से जो गैस था, तो यहाँ से जो हम लोग गैस किए, यहाँ से जो है वो λ1, λ2 और λ3, तीन फोटोन आ रहे थे, नए नए फोटोन, कुछ दो नए फोटोन बन रहे थे और एक इंसिडेंट वाला, तो यहाँ से 3 नए फोटोन बाहर आ रहे थे। अब ये नए, यहाँ से एक दो और 3 फोटोन बाहर आ रहे थे, 3 वेवलेंथ। अब कहते हैं कि इसके परपेंडिकुलर, अगर यहाँ पे मैं इस गैस के जो इंसिडेंट बीम है उसके परपेंडिकुलर देखो, ए डिटेक्टर इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट बीम, वेव लेंथ ऑफ द रेडिएशन डिटेक्टेड। क्या मतलब रेडिएशन डिटेक्ट होगा अगर मैं इसके परपेंडिकुलर कोई डिटेक्टर रखूँ, यहाँ पे समझना। चलो इसके परपेंडिकुलर अगर मैं डिटेक्टर रखूँ, तो चलो इसके परपेंडिकुलर अगर मैं डिटेक्टर रखता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो चलो इस, ये जो इंसिडेंट लाइट है, ये वाली पैरेलल लाइन है, इसके परपेंडिकुलर डिटेक्टर मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर अगर मैं कोई डिटेक्टर रखता हूँ, ये डिटेक्टर, तो यहाँ से जो वेव लेंथ आएगी λ1, λ2, वॉट एवर जो भी हमें नहीं पता है, मान लो उनको एक λ1 है, मान लो ये λ2 है, मान लो ये λ3 है, वॉट एवर जो भी है, तो यहाँ से जो वेव लेंथ आएगी उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। अब बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि ये वेव लेंथ आएगी कहाँ से, कि ये वेव लेंथ कहाँ से आएगी यार। तो ये जो वेव लेंथ आई थी, ये जो वेव लेंथ आई थी, ये कहाँ से आई थी यार, ठीक है। तो ये जब यहाँ से 3 ट्रांजिशन पॉसिबल हुआ था, n=1, n=2, n=3 में जब इलेक्ट्रॉन था, तो पहले केस में, पहले वाले केस, इस वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप होके गया था, ठीक है, जिसमें से λ1 जनरेट हुआ था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में गया था, और 2 से 3 में इलेक्ट्रॉन गया था, जो λ2 जनरेट हुआ था, और एक 100 वाला। तो 100 वाला तो यहाँ से, 100 वाला जो है वो तो इसके परपेंडिकुलर, 100 नैनोमीटर का वेव लेंथ तो वो तो इसके परपेंडिकुलर है ही नहीं, पैरेलल है ही नहीं। तो अब हमें इसके इधर जो आ रही वो कैलकुलेट करना है। तो जब अब इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया n=2 में और n=3 में, तो जो इलेक्ट्रॉन, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन अगर डी एक्साइट होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होंगे तो वेवलेंथ निकलेगा, जो 2 में है वो दोबारा डी एक्साइटेशन में 1 में आएगा, तो एक वेवलेंथ, एक फोटोन निकला जिसकी वेवलेंथ λ1 है, ये कैलकुलेट करना है परपेंडिकुलर। दूसरे केस में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है वो अगर 2 में आया, तो दूसरा यहाँ से जो वेवलेंथ निकला λ2, उसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। और एक और चांस बनता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया वो डायरेक्ट यहाँ से आ जाए, ये वाला, ठीक है। तो एक यहाँ से ग्राउंड स्टेट में आ जाए, तो यहाँ से वेवलेंथ λ3, और एक और चांस बनता है जो 3 में गया वो डायरेक्ट अगर यहाँ से जंप कर देता है, ठीक है, डायरेक्ट जंप कर देता है, तो एक वेवलेंथ λ4 निकलेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है, जब जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए थे वो डी एक्साइट होंगे,
तो ये चार वेवलेंथ पॉसिबल होंगे। तो क्या ये चार वेवलेंथ पॉसिबल होंगे, चलो देख लेते हैं भैया। तो जो पहला वेवलेंथ है लैम्डा, चलो एक एक करके हम लोग निकालते हैं सबसे पहले। तो ये जो एनर्जी ऑब्जॉर्ब हुई हुई थी डी एक्साइटेशन में, अब देखो यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये यहाँ से जंपिंग हुआ, तो ये वाली जो ट्रांजिशन है लैम्डा 2-3 वाली, अब इसके परपेंडिकुलर वेवलेंथ ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन। तो सबसे पहले अगर मैं लैम्डा 1 निकालूं तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू एस सी अपॉन डेल्टा ई के इक्वल हो जाएगा। तो एस सी 12 नंबर 402, और ये एनर्जी इसकी एनर्जी कितनी है, माइनस 3.4 में माइनस कर दो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यह जाएगा 12 नंबर 402 और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कुल मिला के ये आ जाएगा 121 नैनोमीटर। तो ये एक वेवलेंथ आ गया जिसको मैं लैम्डा 1 बोल देता हूँ। चलो अब लैम्डा 2, क्योंकि ये ऑब्जॉर्ब हुआ था यार, यहाँ पे पॉसिबल ट्रांजिशन हुआ था, एक्साइटेशन हुआ था। अब लैम्डा जो 2 है, लैम्डा जो यहाँ से जो लैम्डा 2 है, वो देखो लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी एस सी अपन अगेन डेल्टा ई। तो एस सी 12 नंबर 402 और इसकी एनर्जी माइनस 13.6 है, ये माइनस 3.4 है, ये माइनस 1.5 है, तो ये आ जाएगा माइनस 1.5 और माइनस 3.4। तो फाइनली जब कैलकुलेट करोगे 12 नंबर 402 और ये आ जाएगा 1.9, तो कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 654 नैनोमीटर। दिस इज़ द लैम्डा 2। लैम्डा 2 कब कब निकला है, जब ट्रांजिशन हुआ है ये 3 से 2 में हुआ है, और ये 2 से 1 में हुआ है। तो ये निकल गया, एक ये निकल गया। चलो और भी वेवलेंथ अगर निकल रहे हैं तो उनको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब जो डायरेक्ट ट्रांजिशन हुआ है, यहाँ से जो डायरेक्ट ट्रांजिशन हुआ है तो वो वाली देखते हैं, जो डायरेक्ट ट्रांजिशन हुआ है तो वो वाली हम देखते हैं। तो डायरेक्ट कौन सा हुआ है भाई, तो डायरेक्ट हुआ है 3 से 1। तो 3 से 1 जो है वो मैं उसको मैं लैम्डा 4 नाम दे दिया हूँ, तो कोई बात नहीं, एस सी अपान डेल्टा ही। तो एस सी अपान डेल्टा 12 नंबर 402 और ये माइनस 0.85 और माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फाइनली ये जो है वो आ जाएगा 12 नंबर 402 और ये आ जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो माइनस जब करोगे तो यह आ जाएगा 103 नैनोमीटर। तो ये अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पाथ है जो लैम्डा 3 है वो तो लैम्डा 1 के इक्वल ही होगा यार, लैम्डा 3 लैम्डा 1 के इक्वल होगा, तो कुल मिला के 3 वेवलेंथ निकलेगा। तो एक लैम्डा 1 निकलेगा, एक लैम्डा 2 जो लैम्डा 2 है, और एक लैम्डा 4 है, और लैम्डा यहाँ से भाई यहाँ से लैम्डा 3 लैम्डा 1 के इक्वल है, तो यहाँ से ये जो है लैम्डा 3 लैम्डा 1 के इक्वल है, तो कुल मिला के 3 वेवलेंथ निकलेगा 121 नैनोमीटर फर्स्ट, और यह आ जाएगा 654 सेकेंड, और 103 नैनोमीटर ये जाएगा थर्ड। ये क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि पहले केस में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था और ये डी एक्साइट हो रहा है, तो इस वजह से निकल रहे हैं।